एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं कि 26 जनवरी के परेड इंतजामों के बाद किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर अलर्ट रहें। इस परेड के बाद किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें अलर्ट रहना होगा। तो ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर, इस मार्च के मद्देनजर आप देखिए किस तरीके के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बाकायदा तमाम बड़े अधिकारियों को लिखित तौर पर यह कहा गया है कि आप अलर्ट रहें, ट्रैक्टर रैली में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी के मद्देनजर एहतियातन यह कदम उठाया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को यह लिखित निर्देश जारी किया है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जुड़ चुके हैं। वरुण, ये सब कुछ एहतियातन किया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो। वरुण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अखिलेश, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। मैं आपसे वही कह रहा था वरुण कि क्या एहतियातन ये सारी ये जो आदेश दिया गया इसलिए दिया गया है कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहे, मुस्तैद रहे। देखिए, बिल्कुल ये फाइनल राउंड की मीटिंग ही इसलिए हुई थी क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली को मैनेज करना ये कल्पना से भी परे है। हो सकता है कि इंटेलिजेंस के भी ये इनपुट है कि जो संख्या है ट्रैक्टर की किसानों की वो लाखों में हो सकती है, और दिल्ली के अंदर आएंगे तो जो स्थिति है, एक तो दिल्ली ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसान अंदर आने की कोशिश करे तो दिल्ली कहीं ना कहीं बंधक बन सकती है, और उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए आखिरी राउंड की जो बातचीत थी किसान और दिल्ली पुलिस के बीच में हुई थी, जो नेताओं हैं उन्होंने लिखित में अंडरटेकिंग दी है कि किस तरीके से उनके वॉलंटियर्स होंगे, किस तरीके से रूट प्लान होगा, किस तरीके से जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो 100% होगा, जिससे कि जो स्थिति है वो खराब ना हो। और उसी के बाद जब ये अंडरटेकिंग दी गई है, रिटर्न में उन्होंने इजाजत मांगी, तब उसके बाद ही लिखित इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। यही वजह है कि कल पूरा रोड मैप तैयार होने के बावजूद भी आखिरी राउंड की पुलिस और किसान नेताओं के बीच में अभी यह बातचीत हुई, और उनके अंडरटेकिंग देने के बाद ही पुलिस ने लिखित में अब यह ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी है। जी ABP News, आपको रखे आगे।